धनबाद में रहती हूँ क्योंकि पापा मेरे BCCL में सर्विस करते हैं, तो इस कारण से मतलब हमेशा स्टार्टिंग से धनबाद में रही हूँ। पर पढ़ाई स्टार्टिंग इनिशियल्स की जो पढ़ाई हुई है वो धनबाद में ही हुई है। जैसे 10th मैंने DAV बनियाहिर से किया है और 12th मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद से किया है। बट जो इस चीज़ की तैयारी थी वो मैंने दिल्ली से की थी। ग्रेजुएशन दिल्ली है। मैंने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से किया है। उसके बाद क्या अब तैयारी शुरू की? क्या आपका मन में आया UPSC करने का? या BPSC कर रही थी? क्या कर रही थी? कहाँ से कर रही थी? एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन जो है वो 2016 में, जून 2016 में ख़त्म हुआ। तभी भैया ने मेरा एडमिशन करवा दिया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, दिल्ली का सबसे रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। उसने नाम बोलिए। उसने एडमिशन करवा दिया दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में। और फिर उसने कॉल करके मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो रहा है तो तुम कल आ जाना, दिल्ली आ जाना, तुम्हारे 2-3 दिन के बाद से क्लास है। तो ये थोड़ा मेरे लिए स्ट्रेंज था, बिल्कुल अनप्लान्ड कि अचानक से मुझे तैयारी करना है। मतलब पहले से ही डिसाइडेड था, पहले से ही प्रिपेयर्ड थी, पर ये नहीं पता था कि मुझे तैयारी करना है। मतलब मन में था कि करना है, पर भैया ने स्टार्ट किया, फिर पापा ने फॉर्म डाल दिया BPSC का जो फॉर्म आया था मुझे, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन 1-2 महीना ही स्टार्ट हुआ था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है नहीं होता है। तो पापा ने फॉर्म डाल दिया, अगस्त सितंबर में फॉर्म डाल दिया। उसके बाद फरवरी में मेरा एग्ज़ाम था। तो मेरा जर्नी 2017 फरवरी से स्टार्ट होता है, जब मैंने पहली बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखा। फिर इसका रिजल्ट जैसे जैसे आया, फिर मैंने उस अकॉर्डिंग से फिर तैयारी की। तो BPSC कंप्लीट हुआ आपका? जी। तो अब BPSC में कितना रैंक लाई हैं और श्रेय कहाँ किनको जाता है पूरा? ये जो 60 से 62 BPSC है, इसमें मेरा सिलेक्शन 88th रैंक पे हुआ है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। और इसका श्रेय मैं किसी भी एक इंसान को नहीं देती हूँ। हर एक इंसान जो भी मुझे 5 मिनट का भी समय दिया है, अब मतलब मेरे वेलफेयर के लिए, मतलब किसी भी तरीके से 5 मिनट का भी अपना टाइम दिया है, तो सारे सारे इंसान को जाता है। बट वही है कि पापा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा और जो भी चीज़ पढ़ाई के लिए होता है, इनिशियल्स का जो बेसिक होता है वो रिक्वायरमेंट पूरा करना, मम्मी मम्मी का अपना सपोर्ट है, भैया का अपना सपोर्ट है, छोटे भाई बहन का अपना सपोर्ट है। मतलब सबने अपने अपने तरीके से मुझे पूरा सपोर्ट किया। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, 2-3 फ्रेंड हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा, टीचर्स। तो मतलब ये जो चीज़ है वो एक कंबाइन इफेक्ट है सब कुछ का। अब आगे क्या चाहेंगे? आगे ज़िंदगी बस चलना है, तो कुछ अच्छा, जो भी अच्छा हो, इससे जो बड़ा अपॉर्चुनिटी हो, या इसी सर्विस में रहूं तो जो भी इस सर्विस के लिए कर सकूं, अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से अच्छा करने की कोशिश। और आगे करना चाहेंगे UPSC वगैरह करना चाहेंगे या तो? जी बिल्कुल, UPSC का अभी मैंने एक अटेम्प्ट दिया है और मेरा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ था प्रीलिम्स, तो फिर भी मैं अभी ट्राई करूंगी कि UPSC भी दूं और उसमें भी कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू।